हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है व्यूवर और आप देख रहे हैं वीवी गेम पॉइंट चैनल। और फिर से मैं आपके लिए आ गया माइनक्राफ्ट सीरीज को। और सबसे पहले तो मैंने अपने माइनक्राफ्ट को दोबारा अपडेट कर लिया है, क्योंकि ये अपडेट मैंने दूसरे लिंक से किया था, उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप भी अपडेट कर सकते हैं अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तो। तो आज चलिए देखते हैं, और आज मेरे को माइनक्राफ्ट में काफ़ी चीज़ें करनी है, चलिए देखते हैं। तो क्या है इस वीडियो में, तो क्या इस वीडियो की बात है, सब मैं आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और ये अजीब से आवाज़ कैसे आ रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है माइनक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है। तो शुरू करने से पहले मेरे वीवी गेम पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी ऐसी गेमिंग वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं गेम की बात वीवी वी के साथ। तब देखिएगा कि वीडियो को लास्ट में आपको शाउट आउट भी मिलेगा, किसी एक को शाउट आउट मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दूसरी बात ये कि ये देखो, ये मेरे को पता चला इस तरह से आप एक बड़ी शील्ड बना सकते हैं, दो शील्ड को एक करके। और मुझे को इसमें कुछ खास तो अंतर लग नहीं रहा, लेकिन अब पता नहीं लोग कह रहे तो होता ही होगा कुछ। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं पहले माइनिंग वाली जगह पे ही था, लेकिन उसमें फिर मेरे को सोचा कि मैं पहले अपने सफ़ेदी घोड़ा जो है उसको मैं सेव कर लूँ, तो उसको मैंने थोड़ा एक जगह सेव कर रखा है, शायद वो सेफ हो। तो अब हम लोग दोबारा उसी जगह पे माइनिंग करने वाले हैं। तो पर दो पिकैक्स है और थोड़ा फालतू चीज़ है, तो एक बार मैं कुछ चीज़ें रख के आता हूँ। और दो पिकैक्स और ले लेते हैं, और एक आयरन की पिकैक्स ले लेते हैं, जिससे हम गोल्ड या डायमंड मिलेगा तो हम उसको मतलब यूज़ कर पाएंगे। तो ये मेरे को इसमें से मिला है नेदर पोर्टल से, तो अभी चलो जल्दी जल्दी से ये काम कर लेते हैं। तो मेरे पास खाना कम है, तो पहले तो खाना बना लेते हैं, यानी कि ब्रेड बना लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो 13 ब्रेड बन चुकी है मेरे हिसाब से, 13 बहुत तो नहीं है, हाँ ठीक ठाक है। अब हमें चाहिए पिकेक्स, तो स्टोन तो मेरे पास बहुत है, वुड चाहिए होगा, वुड पता नहीं है या नहीं, लेकिन मेरा वुड कई जगह खर्च हुआ है, दो वुड है, दो स्टिक है, आई थिंक हो जाना चाहिए वुड से भी। तो चलो यहाँ पे वुड ले लेते हैं। और उसके बाद स्क्वायर तो है मेरे पास आयरन की, और ये मैंने एनचेंटमेंट किया है तलवार का, ये मैंने लेवल 2 का XP यूज़ करके किया है। तो चलो अभी देखते हैं, एक पिकेक्स तो बन रही है, एक दो तीन चार, बस चार पिकेक्स बन गए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं सोचता हूँ ये इधर रखते हैं और थोड़ा डर्ट ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लावा वावा होता है, तो उसको ढकने के लिए डर्ट काम आएगा। इतना ठीक है, और ये तीर वीर भी ले जाते हैं ना, क्या पता कहाँ यूज हो। और देख लेते हैं, एक स्क्वायर वॉल लेता हूँ, क्योंकि तलवार की शक्ति मेरे को कम दिख रही है, तो एक तलवार वॉल ले लेता हूँ। और एक आयरन का ये पिकैक्स देखता हूँ, बनानी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, मेरे पास पहले से बनी हुई है, और ये ले लिया। तो फिलहाल मैं सोचा यहाँ पे सो लेते हैं, हवाई गए तो ऊपर फिर चलेंगे उधर। तो ये देखो, ये मैं बेड आ गया ना, यहाँ पर भी सो लेते हैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा शुरू हो चुका है वैसे गेम। तो पहले तो मैं महादेव के दर्शन कर लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे। स्टिक हाथ में रह गई, अब इसको कहाँ रखूँगा, छोड़ इसको भी नहीं चलता हूँ, अब क्या कर सकते हैं। चलो इसको रख के आता हूँ, पहले महादेव के दर्शन कर लेते हैं। तो ये देख रहे हो,
और अच्छा वाला एसएसटी कार्ड है हाथ पे। एक मेरे को याद आ गया कि मैं टॉर्चेस भी नहीं बनाई है अभी तक, 7 टॉर्च में कुछ नहीं होने वाला, तो चलो टॉर्चेस भी बना लेते हैं। तो एक बार पोस्ट कर लूँ तो अभी 19 टॉर्च बनी है, हमें और चाहिए होगी तो थोड़ा वुड इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे मेरे को क्राफ्टिंग टेबल भी बनानी है एक और, ताकि वहाँ पे हमें कुछ भी मिल सके तो बना पाए। चलो मैं यहाँ पे वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड आई डोंट नो तुम लोग ये बात देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी ज़मीन को बड़ा करता जा रहा हूँ, जिससे ये एक अलग ही दुनिया बन सके। तो चलो अभी देखते हैं, और पेड़ तो दिख गया, चल ले लेते हैं। चलो मैं ले लिया है, और तो कोई पेड़ मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे आसपास। बाहर जाके थोड़ा सा पेड़ लेके आते हैं, तो यहाँ पे पूछ कर रहा हूँ। तो इस जगह में काफ़ी वुडन प्लैक्स मिल चुके हैं, जितना मेरे पिकेक्स कहते ना, नहीं एक्स मिल सकती थी उतना मैंने। ओ ये क्या बन रहा है, ये कोई ब्लॉक है क्या कहते हैं इसको, ब्रिज ब्लॉक बना के देखिए। ऐसा जितनी मेरी उसकी शक्ति थी उतना मैंने मतलब उसको बनाने की कोशिश की। और ये देखो मेरे पास काफ़ी सारे वुड इकट्ठा हो गए हैं, इतने थे भी नहीं इतने इकट्ठा हो गए हैं। जल्दी जल्दी से इनको तोड़ लेते हैं, और फिर हमें एक पिकैक्स बनानी है, एक चेस्ट भी बनाने की सोच रहा हूँ मैं, और देखते हैं अभी। तो चलो सबसे पहले में से हम कुछ ब्लॉक लेके जाएंगे, तो फिर मैं देखता हूँ अभी। मैं सोच रहा हूँ 48 और ले जाता हूँ, बाकी रखूँगा। तो 48 वाला अभी यहाँ रखते हैं इन तीनों को, और देखते हैं अभी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ मैसेज मत आओ। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे यहाँ पे हमारा एक तो बन रहा है क्राफ्टिंग टेबल, तो इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ। उसके बाद हमारे को बना रही 6 स्टिक्स, तो जितने पास टॉर्चेस है उतनी मैं स्टिक्स बना लेता हूँ ना, इससे अच्छा रहेगा। तो ये देखते हैं अभी कितनी स्टिक्स बन रही है भाई। कॉल के में कोई कमी वमी तो है नहीं, तो जितनी स्टिक्स बननी है बनने का। अपने को क्या ज़्यादा है अभी, कितनी और बनेगी अभी, मतलब अभी दिखा रहा है तो अभी देख लेते हैं। स्टिक्स की अपने को कोई कमी नहीं है कोल की, बस। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले दरखते इसको और चलो चलते हैं। और इस चेस्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लिया है, और ये अभी जाइए रख रहा हूँ, और क्या रखूँ, सब कुछ है ना अपने पे। हाँ पहले सोच रहा हूँ थोड़ा सो लेते हैं दोबारा से, क्योंकि बाहर काफ़ी रात हो रही है, तो भोलेनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी चलो अभी थोड़ा सा सो लेते हैं, और यहाँ पे सो जाते हैं। वैसे तो मैं सोचा था कि बैग ले जाऊं, पर मेरे से शीशा टूट गया, इसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा, मेरे से टूट गया था पहले। तो अभी चलो अभी अपना चलते हैं मस्त, स्क्वायर लेके स्टोन स्क्वायर स्माइल वन कौन मिला, अच्छा गाय आ रही है क्या। तो मैंने अपनी सफेदी को सुरक्षित रखा हुआ है उसी उसके आसपास, जिस माइंड में पिछली वीडियो में गए थे, पिछली वीडियो में उस माइंड में मैंने अपनी सफेदी को रखा है। ऐसे ये भी सफेदी है, देखिए मेरे वाला नहीं होगा क्योंकि वो सफेदी के पर वो है, अरे क्या मैं भूल जाता हूँ, लैदर नहीं कुछ है यार, मैं बताऊँगा बाद में, रुक जाओ मैं बताता हूँ। तो अभी जल्दबाजी के कारण मेरे को मिल नहीं रहा, मैं याद भी नहीं कर रहा हूँ इतना, तो फिर अभी चलते हैं या मुद्दे की बात पे आते हैं, ये सब बातें हम बाद में भी कर लेंगे। मैं कुल मिला के ये बता रहा हूँ कि मतलब जिस पे घोड़े पे बैठते हैं जिससे, वो कह रहा हूँ मैं।
तो चलो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, यहीं कहीं है ना वो विलेज। इसी विलेज में हम पिछली बार गए थे, ये देखो सामने मेरे को दिख रही है दूर से। चलते चलते इतना खाना खत्म हो गया और मैं यहाँ पे विलेजर का कुछ नहीं चुराने वाला हूँ, ये मैं बहुत शरीफ हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे अभी नहीं खा रहा यार, अभी ठीक है। तो हमें पानी भी लेना चाहिए था मेरे को लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। और सबसे पहले हमें नीचे जाके देखना पड़ेगा। मैं सोच रहा ना इस विलेज के बंदों को भी बाद में अपने विलेज में ले आऊँगा। यहाँ पर बेचारा के लिए क्या कर रहे हैं पता नहीं, अभी तो दिख भी नहीं रहा कोई। वैसे मर गए क्या? अरे पुल कहाँ गया? ओ भाई पुल कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। सूरज जी अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपके पास चढ़ जाऊँ? ठीक है थैंक यू। थोड़ा सा मैंने खा लेते तो क्या चोट लग सकती है? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और पानी कहाँ है? पानी यहाँ पे भी कैट है। सही है सही है सही है, इस बार हमें चोट नहीं लगी। तो इस वक्त भी मैं क्या कहता हूँ ये देखो। तो हम कौन सी माइन में थे? यहाँ पे दो है, ये यहाँ पे दो है। एक तो ये वाली में मैंने अपना सफेदी बंद रखा है, आई होप मेरा सफेदी जिंदा हो। सफेदी में तेरे को लेने आऊँगा तू चिंता मत कर, मैंने यहाँ पे सफेदी को बांध रखा है, बस मेरा सफेदी जिंदा होना चाहिए। पहले इसको मारते यार, अरे इसके बच्चे आएंगे ये आ गए। रहन दो तुम लोग, तो बस की नहीं है, बस की नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, रहन दो बस 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 हो गया। तो आता है सफेदी तो मर गया, सफेदी नहीं मतलब ये सब मर गए, हरे वाला कीड़ा। अब यहाँ जाना है पोर्ट। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी तो माइनिंग की है मैंने, नहीं तो एक ज़्यादा कुछ नहीं आयरन मिला है, बाकी अभी इधर देखते हैं इधर। तो ये क्या है? अच्छा नीचे आग नहीं है, तो ये मारा कौन? तो टॉर्च निकाल, टॉर्च का है इधर ये, तो ये मारा कौन? इधर आयरन है, चलो अबे डट का है। चलो अब देखते हैं, अब मैं देखते हैं अब क्या हो रहा है। यहाँ पे भी कोल है तो यहाँ का भी कोल ले लेते हैं, कोई डंकी चीज तो मिलती है। अबे अंधेरा यहाँ पे, और रेडस्टोन ये तो लेना बनता है। चलो
और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये गेम जो है शिनचैन बन के नहीं खेलूँगा। क्रीपर क्रीपर क्रीपर, ओ नो ओ नो। मेरे पास एरो है, एरो है, चल बढ़िया। जैसे इतना देख के भी नहीं मारा, लगता है इसको अभी भी चश्मा चला है। ओके गोल्ड, और यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो पहले तो टॉर्च निकाल, वजह से कहीं आ रही है बस। ये रहा कोल, कोल का तो भरमार है यहाँ पे। अबे यार कह रहा ना, कोल का तो मतलब भरमार है। चलो अब बस अपनी डायरेक्शन ना भूल जाओ। मेरे को घड़ी भी लेके आनी चाहिए ताकि मेरे को टाइम का पता चलता रहे, और जब मतलब मन करे सो जाओ। बैट लगाओ, सो रहे भी नहीं सो पा रहे। अब जाऊँ किधर मैं? डर्ट का क्या करूँ, किधर रखते डर्ट, और यहाँ वही। अब तो टॉर्च में रखने पे भी शायद आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आती थी। अबे यार अब थोड़ा तो खा लेते हैं। जैसे ही खाना ख़त्म होगा मैंने सोच लिया मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि खाने पे ही सब कुछ है। ये बैठ क्यों घूम रही है? अब यहाँ देखते हैं। और बात ही वो भोलेनाथ की, फिर वो मैं पूरे सावन रखने वाला हूँ, और अभी सावन चल रहा है तो इसलिए मैं वो भोलेनाथ मैंने अभी नहीं हटाए है। और मेरे को कमेंट आया था कि उसके जितना भी मैंने सामान यूज़ किया वो सब सर्वाइवल मोड में डाल दूँ। वैसे तो बात मेरे को मतलब लग रही थी अजीब सी, मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में डाल दूँ तो मैं मतलब उसको क्रिएटिव वर्ल्ड में डालने वाला हूँ सारे सामान को। बस मैं जो जो मैंने यूज़ नहीं किया है उनको मैं मतलब जो जो मैं यूज़ किया है उनको मैं उसमें डालूँगा। ध्यान दे भाई, तेरे बस की नहीं है, मत माला कर इतना। भैया क्या हो रही? अच्छा कुछ है क्या यहाँ? कोल, ओहो माला माल। और है क्या? अभी नहीं गया, चल थोड़ा और देखते हैं। ओके गुफा यहाँ ख़त्म हो गई। मैंने अपने घर के बाहर भी माइनिंग देखी है, मतलब माइनिंग ढूंढी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगा, वो मैं करूँगा इसके एपिसोड के लास्ट पर, अगले एपिसोड में। आई होप तब तक मेरे घर भी थोड़ा सुधर जाए। और है क्या? मैं कोई लग रहा हूँ है, और देखते हैं अभी। अभी हम इस साइड से, किस साइड से आए हुए हैं? आई थिंक इस साइड जाना है। ओए ओए आ जा, लैंड दे। हाँ तो हमें यहाँ जाना है, और देखते हैं कहाँ जाना है। यहाँ पे
थोड़ा थोड़ा। देखो तुम कितनी जल्दी मतलब एक्सपी मेरा 9 हो गया सिर्फ कोल निकाल निकाल के। मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपी फॉर्म भी बनाऊंगा मैं, पर वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, थोड़े टाइम बाद। टॉर्च लगाइए ऊपर, पानी की या उसकी आवाज़ आ रही है। इस वक्त हम 20वें लेवल पे है तो हो सकते हैं यहाँ पे हमें वो भी मिल सकता है लावा, तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। मेरे को वो ना मिले चलेगा कोल, पर मेरे को वो तो मिलना ही चाहिए आयरन, और एक्सपी भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे भी हो गया काम, अब अगली गुफा देखते हैं। इधर इस साइड कुछ है तो रुक जाते, भी इच्छा पैदा करते। मैं भेज लेना, बहुत भेज लेने को आ रहा था। इस साइड भी गुफा है, वाह। माइनिंग में ना यही दिक्कत आती है कि आप रास्ता भटक सकते हैं। अब ये देखो, ओके लेवल 15 पे आ गए तो डायमंड तो मिलना चाहिए, लेकिन अब ये लोग देंगे या नहीं पता नहीं। अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं इधर जाके नहीं करूँगा, ये नीचे से नीचे ही लावा निकलता है। देखा निकला तो नहीं, वही सामने लावा है, मेरे को पक्का है यहाँ लावा है तो डायमंड तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। मैं इसको रोक के देखूँ क्या? वही धीरे धीरे भाई, तो पक्का डायमंड होना चाहिए। ये पानी तो लाया नहीं हूँ, पर मैं जुगाड़ू तरीके से करने वाला हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा सा और है ना डर्ट, मेरे को डर्ट लगता ज़्यादा लाना चाहिए था, इतना लावा मिलेगा तो लाने ही पड़ेगा ना। कहीं आस पास दिख तो नहीं था। ओए ओए एक सेकंड में क्रिएटिव कर रहा हूँ, बच गए। ये बहुत जरूरी था क्रिएटिव करना चलेगा, लेकिन बहुत जरूरी था। चलो मैंने दोबारा सर्वाइवल कर लिया, पर सच में जरूरी था। बच गए, आई होप बच गए हो हम। देखो थोड़ा बहुत चीटिंग करनी पड़ती है ज़िंदगी में, तो ये मेरे इतना सारा सामान देख के मैं भाग नहीं सकता। मैं यहाँ पर डायमंड होगा यार, खैर अभी अपने यहाँ कहाँ से आए थे वो, इसका सप्लाई कब मार गया, उसको बंद कर लेंगे तो ये सारा हट जाएगा। वहीं कहीं से सप्लाई हो रही है डायमंड की, डायमंड की कह रहा हूँ, ये लावे की।
लावा भी कम ही है मेरे पे, लावा कह रहा डर्ट। मेरे को तो लग रहा है वहीं कहीं से सप्लाई हुई है। बंद हुआ क्या? फोटो नहीं का खैर, यहीं कहीं डायमंड होगा यार। कुछ लोग कहते फालतू में खुदाई करो तो तुम्हें मिलेगा। चलो फालतू में खुदाई करके देखते क्या होता है, बस यहाँ से डायमंड ना निकल जाए। और मैं चीटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, तो मैं कोई करना पड़ा। ओके अब छोड़ा हो जा। यहाँ पे इधर हाँ यहाँ पे इधर ये आयरन का देखते क्या मान रहा है। आई होप यहाँ से डैमेज फ्लावर ना निकले। को पक्का यहाँ पे कहीं तो मिलना चाहिए। क्या पता कहीं तो मिलना चाहिए। ये कहाँ तक हो गए? ओके शायद यहाँ पे कोई डायमंड वायमंड नहीं है। यहाँ पे पोज कर तभी मैं देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। यहाँ पे माइनिंग तो बहुत है, ये बात माननी पड़ेगी। सुअर के आवाज आई मेरे को भी। ओके आयरन गोल्ड भी बहुत है यहाँ पे, ये देखो। मैं इसको मैंने मारा था, देख भाई मैं तेरे को मारने तो आ नहीं रहा हूँ। अभी मैं तेरे को मारने नहीं आया, मजा वे बच गए। ये गलत मान गया कि मैं इसको मारने आया नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, मतलब हमें कहीं और जाना पड़ेगा। गोल्ड मैं कबाई डरा मत से, क्या फेंक रहा, कौन फेंक रहा है? विच 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 फेंक रही है, विच फेंक रही है। बस भाई बचा लो बचा लो। अबे यार एक बार पोस्ट कर रहा हूँ तो चलो अभी देखते हैं। ये जगह इतनी सेफ अब रही नहीं जितनी सेफ लग रही थी हमें।
हाँ तू पहले आ जा, यहाँ पे स्पॉनर है क्या? स्पॉनर बोल रहे क्या यहाँ पे? इधर भी आ रहे हैं। कोल भी बहुत है भाई। और देखते हैं, और क्या एक सेकंड यार, 44 टॉर्च इधर रखो, मैं चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी यार इधर आना, क्या टेम्पस, और ये इधर, और ये इधर। हाँ मैं क्या कह था, इधर रखो, कोल भी है यहाँ पे, अच्छी लूट तो मिली, लेकिन जो चाहिए ना एक माइनक्राफ्ट वाले बंदे को डायमंड, वो नहीं मिल रहा। बिजली कड़क रही है, माइनक्राफ्ट में बिजली तो कड़कती ही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है, मैं पक्का तो नहीं कह रहा क्योंकि पता नहीं कि उस समय तक वीडियो मेरी कौन सी आएगी, लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हो सकता है कि कृष्ण जन्माष्टमी में आपको माइनक्राफ्ट में कुछ स्पेशल देखने को दिखे, तो आप तैयार हो जाइए इस कृष्ण जन्माष्टमी में माइनक्राफ्ट में कुछ स्पेशल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। स्टोन वोन कुछ है क्या मेरे पास? है ना। अब यार एक नई माइंड दिख रही है, कोल, कोल से कुछ फायदा हो या ना हो एक्सपी तो मिल ही जाता है। वाह अभी अपने पिकैक्स तो बहुत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी देख लेते हैं, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, और अच्छा इधर भी कोल है, कोल तो बहुत है हमारे पास। चार पांच पार्ट में वीडियो बन रही है, मेरे को पता है इसका बहुत पीछे कारण है, ये रियल के एक दिन में वीडियो नहीं बन रही। भाई कोल देखो, इतना डायमंड मुझे लग जाए तो पता नहीं क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ एक्सपी 10 हो गई, अब मैं 10 एक्सपी को गंवाना नहीं चाहता। इसमें कम से कोड ही मिलेगा क्या, या कुछ भी मिलेगा? चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, इतना दूर आया तो ये भी कोल आ गया। वैसे इतना आयरन और मिल जाता तो मेरे को ज़्यादा खुशी मिलती, कोल की डायमंड नहीं मिल जाता तो, पर आप क्या कह सकते।
अरे हो गया था कहाँ जाना मैं, ये रहा, इधर भी कुछ नहीं है और देख लेते थोड़ा आसपास, आयरन ओर तो मिला, बस एक ही मिलेगा मिलेगा तो वही इधर सामने कुछ है नहीं नहीं सामने भी अंधेरी गुफा दिख रही है बट आई थिंक ये अंधेरी गुफा इस चीज़ की तो नहीं है। ये तीर कौन रख के गए यहाँ पे, इस साइड थोड़ा देख लेते हैं क्या है, फिर ख्याल से दर्द में आया हुआ। अच्छा ये तो वही जगह है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्रीपर क्रीपर ओ नो, बच गए, बस एरो है बना सकता मैं एरो, देखते हैं क्या लगेगा अपने को लैदर का, मकड़ी का जाला तो नहीं चाहिए। हाँ एक तो बन रहा है, अभी देख किस क्रीपर से पंगे कैसे लेते हैं। बूम बूम ओके, तो अभी हम बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं। जब कुछ है क्या, अच्छा इधर भी पर चेक कर लेते हैं ना, इतना दे रहा है वहाँ थोड़ा और सही। ओह हाँ ये तो देखा ही नहीं हमने, पर मिल गई यार, निकल रहा था काफी गहरी गुफा होगी। पक्का कुछ नहीं है, उधर जाके देखे क्रीपर वाली जगह पे, उधर चला वो टॉर्च तो इधर दिखा रहा है, ये मिला काम का है। ओके कुछ तो डंका मिला, ओहो और अभी देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता इधर कुछ काम का है, तो अब क्या करें देखते हैं। इधर भी आयरन गोल्ड है थोड़ा सा ले लेते हैं, ये रहा। अबे यार या तो फिसलता नहीं है, फिसलता है तो इतना फिसल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, हो गया तो वो पुल है जहाँ पर मतलब हम गए थे। बस आगे चल के देख लेते हैं, अगर कोई डंका मिल जाए तो ठीक है, वरना यहाँ से निकलते हैं। फिर कोल मिला,
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोल ही कोल दिख रहा अभी तक, कोई ढंग की चीज दिख नहीं रही। तीर कमान वाले भी मेरे को आवाज आ रही है। यहाँ पे भी कोल्ड है, टॉर्च निकालो भाई, पीछे तो कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। मुझे लगता अभी तक कुछ है नहीं, तो अपना चलते हैं। बहुत मुश्किल है ये करना, चलो हो गया हो गया। थोड़ा सा मुश्किल है पर कर लेंगे तो हो जाएगा, हो तो गया। यहाँ जाना है, यहाँ पे भी आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं उसके बाद कौन मारा वो एक खाना पका गए तो इसको मारना नहीं चाहता था इससे, पर जल्दबाजी में मेरे पास यही आया हो, इससे मैं तो मारना नहीं चाहता हूँ। और देख लेते हैं क्या यहाँ पे, चैन से आयरन भी जीने नहीं दिया। चलो यहाँ तो हो गया, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे सेब हमें कोल ही मिलेगा, डायमंड तो लगता नहीं यहाँ मिलेगा। तुम लोग थोड़ा मेरे को बताओ कि डायमंड को हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, कि डायमंड से मैं डायमंड की स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, लेकिन वैसे तो 49 डायमंड्स है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरा वो लार्ज चेस्ट पूरा डायमंड से भर जाए और बिना सर्वाइव के इतने मूड किए। तो ये कैसे ना, अच्छा अच्छा ये तो घूम के आने वाला रास्ता है, अभी अपने को फिर ऊपर जाना है। कहाँ है रास्ता भाई, आयरन तो जा रहा है, मैं नहीं आ रहा तेरे पास, चले जा भी, दिमाग खराब मत कर मेरा, फिर मारा मैं मार खाने नहीं चाह रहा भी। कहाँ क्या रास्ता, तो सेम जगह आ रहा हूँ, देखो मैं यहीं पे जा रहा था अभी।
ये देखो वो आ गया। तो मेरे को लगता है ना ये कुछ तो रास्ता है। चल 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 अबे यार मैं कोई स्कोप ऐसे ही बनाना पड़ेगा और कोई पाए तो कोई छोड़ा ही नहीं मिलेगा। अच्छा तो कुछ तो ये रहा रास्ता, मैं यहाँ मालूम रास्ता ये रहा। तो ठीक है गाइस, पैर तो बैठ लेना आपके पास, बैठ ले और सो जाओ, मैं मरना नहीं चाहता फालतू में। तब तो सुबह हो गई है और सफेदी मेरा इस गुफा में है, तो मैं पहले कुछ बनाने वाला हूँ सफेदी के लिए, जिससे कि मेरा सफेदी सुरक्षित रहे। आई होप ये तरीका सही हो सफेदी को बचाने के लिए। मैं एक सीढ़िया टाइप बनाना चाह रहा हूँ, जिससे मतलब सफेदी आराम से ऊपर चढ़ सके। पहले तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरा सफेदी जिंदा भी है या नहीं, तो पहले मैं जितने भी कॉबल स्टोन लाए ना उनको लगा देता हूँ, फिर ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो और उखाड़ लेंगे, अपने को कोई दिक्कत तो है नहीं, पर सफेदी के लिए कुछ भी चलेगा। सफेदी तो है ना, बस मेरे को इतना बता दे भाई, तो वही गुफा भाई। ये अजीब सी आवाज़ कैसे है इसमें, सफेदी तो है ना, सफेदी है वो, यस भाई सफेदी है। तो चलो सफेदी तो वहाँ जिंदा है, तो जल्दी से डर्ट ले और चल। एक सेकेंड थोड़ा सा ये सब ले जाते ना, क्योंकि सीढ़ियाँ बनाने में ये काम आएगा। सब ये तो थोड़ा वहीं रही हो, मैं वैसे अभी आया। तो जल्दी से सफेदी के लिए सब कर लेते हैं। मेरे को पता आज की वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, क्योंकि चार पांच पार्ट की वीडियो है, चार पांच पार्ट में यही होता है। देखो जब तुम माइनिंग में जाते हो ना तो यही होता है। तो यहाँ पे पूछ कर लो, तो दिक्कत ये कि ये ऊपर तो आ गया इतना, पर मेरे पास मटेरियल ख़त्म हो चुका है जिससे मैं इसको और ऊपर पहुँचा सकूँ, तो मैं कैसे इसको ऊपर लाऊँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फिर एक बार मैं जितने भी यहाँ पे मेरे पास कॉबल स्टोन्स है सब उखाड़ लेता हूँ। अरे बच गया, सफेदी तो जिंदा है ना, सफेदी हाँ सफेदी तो जिंदा है। थोड़ा सा कॉबल स्टोन खा लेता हूँ जितना मेरे पास है, जितना पिकेक्स में जाना है उतना कॉबल स्टोन खा लेता हूँ, फिर आगे का काम करेंगे। अगर नहीं होगा तो सोच रहा हूँ क्रिएटिव
वॉल से बनाऊंगा, फिर सारे कोबलस्टोन खत्म हो गए। ठीक है, तेरा ही बच्चे है तो तेरा का भी यूज़ करते हैं। ग्रेवल भी है अपने पास, लेकिन ग्रेवल मेरे को लगता नहीं इतना भरोसेमंद है। तो यहाँ पे पूछ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा गलत तरीके ये अपनी सफेदी के लिए मेरे को करना पड़ रहा है। मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये धीरे धीरे ला रहा हूँ, आई होप ये ना गिरे। और देखते हैं, मेरा घर इस साइड है किस साइड है, घर इस साइड है, ये दरवाजा सफेदी, वेरी गुड। मैं तुम्हारे तू जा रहा तो यहाँ पे इसको सर्वाइवल में कर दिया। तो ठीक है गाइस, अब हम चलने वाले हैं। बस सफेदी रुक जा, रुक जा सफेदी रुक, चल हम चल रहे हैं। इस गाँव से विदा ले रहे हैं। मेरे को पता है तू भूखा होगा, इसलिए मैं खाना वाना सब खिलाऊंगा बेटा तेरे को। ये देखने को तेरी हेल्थ दिख रही, तू चिंता मत कर। तो ठीक है गाइस, हम जल्दी से पहुँचते, फिर टाटा बाय बाय करेंगे इस वीडियो को। कहाँ से रास्ता है इसके लिए, इसके लिए यहाँ से रास्ता है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, सफेदी की स्पीड ज़्यादा अच्छी है। और टाटा बाय बाय करने से पहले याद आ गया मेरे को कि शाउट आउट भी देना है। जी हाँ, भूल गया था शाउट आउट देना, लेकिन मेरे को याद आ गया है तो शाउट आउट भी दे देते हैं। तो एक बार घर पहुँचते फिर शाउट आउट देते हैं, समझो। मेरे को कोई कुछ भी करे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, सफेदी को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो घर भी हम आ गए, तो जल्दी से घर पहुँचते फिर शॉर्ट आउट देंगे। मैं घर में कोई गुस्सा था क्या? क्या हुआ? सफेदी कहाँ गया? सफेदी सफेदी आजा, जे भी जे जगह हमेशा खाली रहेगी। तो ठीक है, वक्त है शॉर्ट आउट देने का, तो शॉर्ट आउट देते तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो आजकल शॉर्ट आउट जाता है स्टिकर्स गोल्डन का, हो सकता है मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ, पहले कहा था प्लीज़ भाई प्रमोट नहीं स्टिकर्स गोल्डन, तो स्टिकर्स गोल्डन हो सकता है आपका नाम गलत लिया, सॉरी। तो आपको शाउट आउट मिल चुका है। तो ओके गाइस, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो क्रीपर, ओह मैन, मैं हर बार एडिटिंग ऐसी क्यों होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। चिंता मत करना, घर में ठीक कर लूँगा। बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो और आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय। मेरी हर बार ऐसी एंडिंग क्यों होती है।